आप सभी से निवेदन है कि ध्यान पूर्वक सुने और कोई भी कार्यकर्ता बीच में हलचल ना करे, डिस्टरबेंस ना करे, अनुशासन बनाए रखे, मोबाइल अपने चेक कर ले सभी, साइलेंट मोड में कर लें, ऑफ करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, वीडियो भी बनानी होगी ना। संदेश 15 अगस्त 2017। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ और अपने भारत पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आज के दिन सबसे पहले उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन, जिनके त्याग, संघर्ष और बलिदानों से हम विदेशी शासन से मुक्त हुए और हमें अपने प्यारे देश की स्वतंत्रता का महान उपहार मिला। आजादी के संघर्ष में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले भारत माता के महान सपूतों का ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन उनका स्मरण करके हम अपने भीतर देशभक्ति का जज्बा तो पैदा कर ही सकते हैं। आज के दिन हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम अपने भारत को भविष्य में कैसे भारत के रूप में देखना चाहते हैं। कोई भी देशभक्त व्यक्ति कह सकता है कि हमें शक्तिशाली भारत चाहिए, समृद्ध भारत चाहिए और ऐसा भारत चाहिए जो गरीबी से मुक्त हो। हमें आजाद हुए 70 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे सामने यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या हमारी प्रगति की दिशा सही है, क्या हम गरीबी मुक्त और समस्या मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं, क्या हम इन 70 वर्षों में अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सके हैं। आप कह सकते हैं कि भारत ने बहुत तरक्की की है, भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है, दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ा है और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। यहाँ मैं अपने ही उस कथन का उल्लेख करना चाहूंगा जो मैं बार बार अपने भाषणों में दोहराता रहा हूँ। यह बात मैंने किताब में भी लिखी है कि मनुष्य के दो व्यक्तित्व होते हैं, एक बाह्य व्यक्तित्व और दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व का आहार धन होता है और आंतरिक व्यक्तित्व मनुष्य की भावनाओं से निर्मित होता है। आंतरिक व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण होता है, यही बात देश पर भी लागू होती है। एक देश के भी दो व्यक्तित्व होते हैं, बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व। हमने आर्थिक विकास करके अपने देश के बाह्य व्यक्तित्व का तो निर्माण किया, लेकिन आंतरिक व्यक्तित्व का विकास करने में पिछड़ रहे। देश का यह आंतरिक व्यक्तित्व देश के श्रेष्ठ और चरित्रवान नागरिकों, जिम्मेदार नियामक संस्थाओं, जिम्मेदार नेताओं और विभिन्न समूहों में आपसी सद्भाव और आम नागरिक की कर्तव्य निष्ठा से पैदा होता है। अब सवाल यह होता है कि क्या हम अपने देश का ऐसा आंतरिक व्यक्तित्व निर्मित कर सके हैं जिसमें सामाजिक न्याय हो, पारस्परिक सद्भाव हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने वाले नेतागण हो और अपने नागरिक दायित्वों को पूरा करने वाले जिम्मेदार नागरिक। इस सवाल का उत्तर हमें हमेशा हाँ में नहीं मिलता है। एक राष्ट्र तभी वास्तविक अर्थों में शक्तिशाली और समृद्ध होता है जब उसका आंतरिक व्यक्तित्व विकसित और समृद्ध हो। आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं, वे चाहे आतंकवाद की हो, अलगाववाद की हो, सांप्रदायिक दुर्भावना की और हिंसा की हो, या फिर आम नागरिकों के जीवन में आने वाले रोजमर्रा की कठिनाइयों की, ये सभी समस्याएं इसलिए है कि हमने अपने देश का आंतरिक विकास ठीक से नहीं किया। देश के आंतरिक व्यक्तित्व का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने देश के आंतरिक व्यक्तित्व के मूलभूत मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं कि मैंने अपनी पुस्तक थिंक विद मी में
चुनाव पद्धति, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा व्यवस्था, मीडिया और धर्म जैसे इन्हीं मूलभूत मुद्दों को उठाया है और बताया है कि देश का आंतरिक विकास कैसे हो सकता है या देश का आंतरिक व्यक्तित्व कैसे निकल सकता है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह पुस्तक सर्वाधिक बिक्री वाली पुस्तकों में शुमार हुई है। मुझे पाठकों की बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई है और आज भी प्राप्त हो रही है। सच कहूं तो इस पुस्तक के रूप में देश के लोगों के समक्ष स्वस्थ विचार रखना देश के आंतरिक विकास में मेरा, आपका और सहारा इंडिया परिवार का यह विनम्र योगदान है। आप जानते हैं कि सहारा इंडिया परिवार राष्ट्र के प्रति दायित्व को निभाने में सदैव अग्रणी रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हम ऐसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिनके लिए वस्तुतः हम जिम्मेदार नहीं थे। इन कठिनाइयों के कारण हमारी प्रगति की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है लेकिन रुकी नहीं है। और आप जैसे समर्पित निष्ठावान तथा कर्मठ साथियों के रहते कभी रुके नहीं। हमारी संस्था आंतरिक तौर पर मानवीय गुणों से भरपूर एक मजबूत संस्था है। एक देश प्रेमी संस्था के तौर पर हम अपने राष्ट्र के आंतरिक व्यक्तित्व के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से यह संकल्प फिर दोहराना चाहता हूँ कि हम हर कठिनाई से जूझते हुए अपना विकास भी करेंगे और अपने प्यारे भारत के बाह्य और आंतरिक विकास में योगदान भी करते रहें। इन शब्दों के साथ मैं आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस और भारत पर्व की बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जय भारत, जय सहारा, सहारा प्रणाम।